शीट नंबर 92 टॉपलिंग अभी हम वो थ्योरी के कॉन्सेप्ट कर रहे हैं जो एडवांस की प्रॉब्लम्स में एंट्री का वो जो गैप है वो क्रॉस कर रहे हैं, मतलब ये वो एरिया है जहाँ पर हल्का सा मेंस डिस्टर्ब होता है या थोड़ा और उठ जाता है तो यहाँ पे आ जाता है, ये एरिया में कवर कर जाते हैं वो, और अगर एडवांस नीचे गिरता है तो इस एरिया से शुरू हो जाता है, मतलब लोएस्ट लेवल। अभी एडवांस तो यहाँ से स्टार्ट भी नहीं है वैसे तो। देखो टॉपलिंग की प्रॉब्लम तो एक सिंपल प्रॉब्लम है और इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, टॉपलिंग एक नॉर्मल प्रॉब्लम है। टॉपलिंग का मतलब क्या होता है, हाउ टू फाइंड वेदर अ बॉडी स्लाइडिंग और टॉपलिंग। होता क्या है कि जैसे आप एक लेक्चर स्टैंड है ये पड़ा हुआ है, मैं इसे घसीटता हुआ लेके आता हूं, कभी कभी क्या होता है फ्रिक्शन ज्यादा हो जाती है और कभी कभी ये मुझसे उलट जाता है। हम कहते हैं नहीं उसको घसीट के लेके आ चीज को, आप उसको स्लाइड कर रहे होते हो लेकिन कभी कभी वो पलट जाती है, टॉपल हो जाती है। तो होगा क्या, और कभी कभी ऐसा भी होता है आप आपने इसको खींचने की कोशिश की वो स्लाइड ही नहीं हुआ, वो सीधा ही पलट गया, फ्रिक्शन इतनी सफिशिएंट थी, बॉडी इतनी भारी थी, अलमारी है बहुत बड़ी, कभी कभी आप उसको खींचते हो या फ्रिज है खींचते हो कभी कभी खिंच जाता है, स्लाइड हो जाता है, और कभी कभी क्या हो जाता है वो आप खींचते हो आपके ऊपर ही सीधा गिर जाता है। तो अगर तो सीधा घूम जाता है बॉडी विल टॉपल फर्स्ट, इट विल नॉट स्लाइड। और अगर वो पहले स्लाइड करता है और हो सकता है बाद में टॉपल कर जाए तो बॉडी विल स्लाइड फर्स्ट। तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि अलमारी पड़ी हुई है, बताओ ये पहले टॉपल करेगी कि पहले स्लाइड करेगी, आपका आंसर क्या होगा, खींच के देखना पड़ेगा। तो मैं कह रहा हूं कि खींच के देखना, पेपर में कैसे खींचोगे अलमारी, आप बताओ इसको देखते हुए, डायमेंशन देखते हुए, जब आप इसको खींचेंगे और फ्रिक्शन प्रेजेंट है तो बॉडी पहले स्लाइड करेगी या बॉडी पहले टॉपल कर जाएगी, ये आपका क्वेश्चन होगा जो आपको बताना होगा। और सारी गेम किस पर डिपेंड करती है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पे, म्यू की गेम है सारी। म्यू कम करोगे ना, म्यू बहुत कम कर दो, जीरो कर दो, बॉडी टॉपल ही नहीं कर सकती, बॉडी हमेशा स्लाइड ही करेगी। म्यू बहुत हाई कर दो, बॉडी स्लाइड नहीं करेगी, बॉडी टॉपल करेगी। म्यू मीडियोकर कर दो, कह नहीं सकते। यही क्वेश्चन आएगा जब आपको पूछा जाएगा कि आप बताओ म्यू क्या रखें कि बॉडी टॉपल करेगी या बॉडी स्लाइड करेगी जब आप उसे पुश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, इसकी थ्योरी है, उसके ऊपर दो न्यूमेरिकल हैं बड़े इंपॉर्टेंट, वो न्यूमेरिकल मैं करके दिखाता हूँ। वाई न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल तो एक लाइन के हैं, थ्योरी का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कैसे। टॉपलिंग ऑन हॉरिजॉन्टल फ्लोर, ये हॉरिजॉन्टल फ्लोर है और ये मान लो एल इसकी लेंथ है और ये कोई भी बॉक्स है कोई भी चीज़ है, आप क्या कर रहे हैं इसे, आप हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे इसे धक्का मार रहे हैं या पुश कर रहे हैं एफ फोर्स के साथ। आपने फोर्स एफ कहाँ लगाई, एट हाइट ऑफ एच लगाई, और मान लो थोड़ी स्लाइड करती भी है तो फ्रिक्शन कहाँ होगी, पीछे होगी, वेट इसका सेंटर ऑफ मास एम जी नीचे होगा और ये एल बाई टू होगा। अब होगा क्या, जब आप इसे धक्का मार रहे हैं तो हो सकता है इतनी सफिशिएंट फ्रिक्शन हो कि ये वाला हिस्सा हवा में उठ जाए, है ना, फ्रिक्शन सफिशिएंट है
तो ये हो सकता है ना कि जैसे आपने इसको स्लाइड करने की कोशिश की कि मैं ऐसे करूंगा, पर फ्रिक्शन सफिशेंट है तो क्या होगा, ये वाला हिस्सा हवा में उठेगा। अब जो नॉर्मल रिएक्शन सेंटर ऑफ मास पे एक्ट किया करता था वो धीरे धीरे यहां शिफ्ट होता जाएगा, और अगर आपने बॉडी को कुछ ज्यादा ही उठा दिया हवा में तो नॉर्मल रिएक्शन एकदम कॉर्नर पे आ जाएगा। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट हो रहा है। तो देखो ना, अगर ये ऐसे उठती जाएगी तो नॉर्मल रिएक्शन यहां की बजाय थोड़ा सा यहां शिफ्ट हो सकता है, और उठाओगे तो और शिफ्ट हो जाएगा, और बिल्कुल ही उठा दोगे तो यहां चला जाएगा। तो ये एक इंस्टेंटेनियस फोटो बना रखी है कि ऐसा कुछ होगा। अब वो वीडियो तो दिखा नहीं सकता ना नॉर्मल रिएक्शन मूव करता हुआ, तो जब इंस्टेंटेनियस बता दिया कि मान लो नॉर्मल रिएक्शन कहां पर है, ए पे है अभी। ठीक, तो अब एक चीज देखते हैं इसमें कि जो आपकी एफ फोर्स है ना, जो एफ फोर्स है वो टॉर्क जनरेट कर रही है, और टॉर्क कितना जनरेट कर रही है, टॉर्क जनरेट कर रही है एफ इंटू एच, एफ इंटू एच, और एफ इंटू एच में हम क्या बोलेंगे, ये कैसे टॉर्क जनरेट करेगी, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये चाहता है, एफ चाहेगी कि ये बॉडी को घुमा दे, रोटेट करवा दे एफ इंटू एच। अब नॉर्मल रिएक्शन किसी भी इंस्टेंट पे यहां पे है, मान लो एट अ डिस्टेंस ऑफ ए, और मैंने एक्सिस क्या लिया रोटेशन का, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मान लो कॉर्नर ही एक्सिस ऑफ रोटेशन बनने वाला है। तो एफ इंटू एच तो क्लॉकवाइज टॉर्क है, और एन नॉर्मल रिएक्शन क्या चाहेगी, नॉर्मल रिएक्शन भी तो टॉर्क लगाएगी, कितना, एन इंटू ए, एन इंटू ए। अब नॉर्मल रिएक्शन ये चाहेगी कि बॉडी रोटेट ना करे। ठीक, नॉर्मल रिएक्शन क्या चाहेगी कि बॉडी रोटेट ना करे। क्यों ना रोटेट करे, देखो ना जो नॉर्मल रिएक्शन है वो बॉडी को कैसे घुमाने की कोशिश करेगी, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन लेकिन एक चीज नोट करने वाली है कि अगर ये बॉडी यहां पर पड़ी हुई है, और मान लो रेस्ट पे पड़ी हुई है, और नॉर्मल रिएक्शन अगर यहां पर था तो नॉर्मल रिएक्शन अपना एक्सिस ये मानता है ना। देखो, अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हो इस हिस्से को उठाने में, अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हो इस हिस्से को ऊपर उठाने में, तो एक्सिस यहां शिफ्ट हो जाता है। अगर आप नहीं होते, इसका मतलब एक्सिस पूरी तरह यहां पर नहीं आया, है ना, इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन कहीं बीच में रह गया। तो नॉर्मल रिएक्शन भी तो टॉर्क जनरेट करेगा। चलो एक मिनट के लिए अगर मैं इसी को एक्सिस मानता हूं तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या होगी, चलो एन इंटू ए, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल रिएक्शन टॉर्क जनरेट कर रहा है, कितना, एन इंटू ए। चलो कॉर्नर पे एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस ले लेते हैं, चलो बी पॉइंट ले लिया मैंने, तो एफ इंटू एच हो गया, एन इंटू ए हो गया। राइट, यहां तक क्लियर है। अब ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूं कि इस केस में ये सारी चीजें जो है, और इसके अंदर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कोई टॉर्क जनरेट नहीं करेगा क्योंकि वो बी पॉइंट के ऊपर एक्ट करता हुआ दिखेगा आपको, तो एक्सिस के ऊपर ही फोर्स है तो वो टॉर्क जनरेट नहीं करेगा। स्लाइडिंग, एफ स्लाइड का मतलब मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू स्लाइड। अगर ये पलटता ही नहीं है, चलो छोड़ो वो कहानी छोड़ो जो ऊपर डिस्कस हुई, वो तो तब कहानी होती जब अगर कॉर्नर बी के अबाउट हम सारे टॉर्क को लेते कि उठ गई बॉडी, चलो उठी नहीं, उठेगी नहीं तो क्या करेगी, स्लाइड तो करेगी, तो कम से कम स्लाइडिंग की फोर्स क्या चाहिए होगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, कितनी, म्यू टाइम्स एम जी, कम से कम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू। स्लाइडिंग क्यों, इसको धक्का मारने की फोर्स कम से कम क्या है, म्यू टाइम्स एम जी। राइट, हम इनिशियली एफ, कैपिटल एफ को क्या मानेंगे, जीरो, और बॉडी का कैपिटल एफ धीरे धीरे बढ़ाना शुरू करेंगे। हम ये देखना चाहते हैं कि जब हमने कैपिटल एफ धीरे धीरे बढ़ाया तो बॉडी ने पहले टॉपल किया या बॉडी ने पहले स्लाइड किया, ये प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम फॉर्मेशन समझ में आई कि क्या प्रॉब्लम फॉर्मेशन है, क्लियर है यहां तक, पढ़ेगा। ठीक, अब लॉजिक लगाते हैं, ये तो चलो डिस्कशन थी कि ऐसा ऐसा हो सकता है, लॉजिक क्या है ये देखेंगे। ओके, देखो ये तो वो इंस्टेंटेनियस सिचुएशन है जिसका वीडियो दिखाया नहीं जा सकता, लेकिन ये ऐसी डिस्कशन लिख के की जा सकती है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगा, ये सारी चीजें हमें मालूम है।
मैं फोर्स को बढ़ाता हूं और मैं इसके अंदर इमेजिन करता हूं कि एफ टॉपल का मतलब है वो मिनिमम फोर्स जब बॉडी क्या करेगी, टॉपल करेगी, है ना। ये सारी कहानी ऊपर वही लिखी हुई है। अगर आप फोर्स को इंक्रीज करोगे तो नॉर्मल रिएक्शन धीरे धीरे शिफ्ट होता जाएगा और काफी ज्यादा फोर्स लगाने पे वो बॉडी उठ जाएगी, नॉर्मल रिएक्शन बी पे शिफ्ट हो जाएगा। तो क्लॉक, और उसके बाद क्या होगा, बॉडी टॉपल कब करेगी, जब क्लॉकवाइज का टॉर्क शुड बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, तो बॉडी टॉपल कर जाएगी। मतलब वो पूरी सिचुएशन बताई हुई है जो मैं आपको थोड़ी देर पहले समझा रहा था, वो बता रहा हूं मैं कैसे बता रहा हूं, बता रहा हूं, यहां तक क्लियर है। और इसके अंदर एफ टॉपल का मतलब है मिनिमम टॉर्क टू टॉर्क फोर्स रिक्वायर्ड टू टॉपल, कि कम से कम, हाँ मैं लेटिंग बनाऊंगा, बनाने जा रहा हूं, वही बनाने जा रहा हूं मैं। तो मैं ये बताने जा रहा हूं कि अगर मैं एफ टॉपल की वैल्यू निकालना चाहता हूं लिमिटिंग कंडीशन पे, तो एफ टॉपल मिनिमम फोर्स है, कम से कम फोर्स है जब बॉडी क्या करती है, टॉपल, ठीक, उठ जाएगी। देखो उठ गई तो टॉपल करने के लिए तैयार है। अगर देखो स्लाइडिंग का मतलब बिल्कुल उठी नहीं, बिल्कुल उठी नहीं, बस सीधी घिसटती हुई जा रही है। टॉपल का मतलब है अगर हल्की सी भी उठ गई तो समझो टॉपल हो गई। तो एफ आपने फोर्स अप्लाई की थी उस बॉक्स पे, कितनी हाइट पर अप्लाई की थी, एच हाइट पर अप्लाई की थी, ठीक, एच हाइट पर अप्लाई की थी। तो वापस इस डायग्राम में चलते हैं, जैसे मैं यहां बना देता हूं इस डायग्राम को, कि अगर आपके पास ये एक बॉक्स है, अगर आपके पास ये एक बॉक्स है और लेट अस सपोज आपने यहां पर फोर्स अप्लाई की मिनिमम एफ, तो यू आर इंक्रीजिंग एफ ना, पर मैं कह रहा हूं कि एफ की फोर्स क्या है, मिनिमम फोर्स है कि बॉडी क्या करे, टॉपल। कितनी हाइट पर आपने ये फोर्स को लगाई थी, एच पे लगाई थी। ये आपका पॉइंट था जहां पर वेट एग्जैक्टली सेंटर पे एक्ट कर रहा था, कितना एमजी, और ये डिस्टेंस कितना था, L/2। तो एक काम करते हैं, मुझे सिर्फ ये बताओ कि एफ टॉपल टॉर्क कितना जनरेट करेगी, एफ ऑफ टॉपल इनटू कितना एच, और ये कैसे घुमाएगी बॉडी को, क्लॉकवाइज। कौन बचाएगी बॉडी को कि क्लॉकवाइज ना घूमे, ये एक्सिस है, क्योंकि एफ ऑफ टॉपल इनटू एच टॉर्क है। इस एक्सिस के अबाउट कौन बचाएगा कि बॉडी टॉपल ना करे, वेट एमजी। अगर वेट इतना भारी होगा तो ऑब्वियसली वो बॉडी उठ ही नहीं पाएगी ऊपर की तरफ, अगर उठेगी नहीं तो टॉपल कैसे करेगी। तो यानी कि वेट ने एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जनरेट करना है, कितना एमजी इंटू L/2, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर तो एफ टॉपल इंटू एच बड़ा हो गया इससे, फिर तो समझो क्लॉकवाइज टॉर्क जीत गया, उसके बाद उसे रोटेट कर जा रहा है, टॉपल हो गया, बात खत्म, उठ ही गई तो टॉपल हो गया समझो। और अगर ये बड़ा हुआ फिर उस केस में टॉपल नहीं हो सकती, वो स्लाइडिंग होगी ऑब्वियसली, कम से कम उठेगा तो नहीं, टॉपल तो नहीं होगा। लिमिटिंग कंडीशन की बात हो रही थी, लिमिटिंग कंडीशन में क्या होता है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो लिमिटिंग कंडीशन के अंदर हमने क्या किया, इन दोनों को इक्वेट कर दिया, है ना। मतलब या अगर लिमिटिंग बनाना है तो एफ टॉपल इनटू एच शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एमजी इनटू L/2। वो तो तब होगा ना कि जब वो उठ ही जाएगा, अभी तो उठा ही नहीं, मैं तो कह रहा हूं जमीन पे पड़ा हुआ है और मैं मिनिमम फोर्स लगा रहा हूं टॉपलिंग की, कि मैं चाहता हूं कि वो उठ जाए। सबसे पहले मेरा कंपटीशन किससे होने वाला है, टॉपलिंग का, वेट से। नॉर्मल रिएक्शन तो सेंटर भी ऐड कर रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन तो कुछ नहीं कर रहा, वो तो वेट की वजह से जनरेट हो रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि एफ टॉपल ने जो क्लॉकवाइज जो टॉर्क जनरेट किया, एमजी ने एंटी क्लॉकवाइज जनरेट किया, तो अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू हुआ इससे तो टॉपल हो जाएगा। मिनिमम मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, ग्रेटर देन को हटा के इक्वल, जो लिमिटिंग कंडीशन हो गया। तो यहां से मेरे पास एफ टॉपलिंग की मिनिमम फोर्स आ गई, इतनी फोर्स तो कम से कम चाहिए ही चाहिए ताकि बॉडी क्या हो जाए, टॉपल हो जाए। अब मुझे ये पता है स्लाइडिंग की कम से कम फोर्स रिक्वायरमेंट कितनी थी, म्यू टाइम्स एमजी हमने पहले निकाल ली, तो स्लाइडिंग की कम से कम फोर्स थी म्यू टाइम्स एमजी, टॉपलिंग की कम से कम फोर्स है इतनी। अब स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन बनाते हैं। अगर आप चाहते हो कि इफ एफ स्लाइडिंग लेस देन एफ टॉपलिंग, ये मैंने क्या कंडीशन लिखी कि आपने क्या लिखा इसमें, एफ ऑफ स्लाइडिंग लेस देन एफ ऑफ टॉपलिंग, तो बताओ बॉडी पहले स्लाइड करेगी कि बॉडी पहले टॉपल करेगी,
मैं कह रहा हूं मिनिमम फोर्स टॉपलिंग की इतनी है, ज्यादा है मिनिमम फोर्स स्लाइडिंग से। तो बॉडी पहले क्या करेगी, स्लाइड की टॉपल स्लाइड करेगी, वो क्यों? ओके ये पता है क्या बता बता रहा हूं मैं, एक बॉक्स है उसको मिनिमम फोर्स टॉपलिंग के लिए चाहिए 15 न्यूटन और मिनिमम फोर्स स्लाइडिंग के लिए चाहिए सिर्फ 5 न्यूटन, और आपने एफ को बढ़ाना शुरू किया 0, 1, 2, 3, 4, 5, कौन सी कंडीशन पहले सेटिस्फाई हो गई? स्लाइडिंग। तो बॉडी पहले क्या करेगी? स्लाइड, राइट। तो इसका मतलब जिसकी फोर्स छोटी होगी वो पहले कंडीशन पूरी होगी, तो बॉडी टू स्लाइड फर्स्ट, एफ स्लाइडिंग शुड बी लेस देन एफ टॉपलिंग। स्लाइडिंग की मिनिमम फोर्स है, टॉपलिंग की मिनिमम फोर्स है, इसको एम से एम कैंसिल करके म्यू की ये वैल्यू आ गई। तो ये कंडीशन बनती है, अगर म्यू लेस देन एल बाय 2h है ना, तो इसमें बॉडी विल स्लाइड फर्स्ट, और अगर ग्रेटर देन कर दें तो बॉडी विल टॉपल फर्स्ट। इसके ऊपर प्रॉब्लम्स आएंगी, ये फॉर्मूले के ऊपर प्रॉब्लम आएगी, फॉर्मूले जो बने हुए हैं। पर मुझे उम्मीद है कि ये फॉर्मूला अगले साल तक गारंटेड भूल जाओगे, मेरे को तो याद नहीं था, अभी अभी देख के याद आया। मेरे को नहीं याद ये, तो आप कॉन्सेप्ट ही याद रखो, खुद बना लेना टॉपलिंग की मिनिमम फोर्स और उसकी स्लाइडिंग की मिनिमम फोर्स, फिर वहीं जाके देखेंगे जो होगा वही बेस्ट तरीका है। क्या ये रूल समझ में आया पहले यहाँ तक? जैसे शायद एक क्वेश्चन भी इसके अंदर मेंशन होना चाहिए, ये रहा शायद ये वाला क्वेश्चन है, चेक करो। हाँ यही है ना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एक बॉडी को आपने F फोर्स लगाई, कितनी हाइट पर लगाई, H हाइट पर लगाई, और ये डिस्टेंस A है इसका। तो व्हेन बॉडी टॉपल्स अबाउट A, नॉर्मल फोर्स पासिस थ्रू। अच्छा पहला क्वेश्चन है कि जब बॉडी टॉपल करेगी तो नॉर्मल रिएक्शन कहां से पास करेगा, तो आपने क्या बोलना है, पॉइंट ए से। ये पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन था, याद आया, और एडवांस में हुआ प्रॉब्लम है पुराना, जिसमें वो दो क्वेश्चन पूछ रहा था कि पॉइंट बताओ कहां पर नॉर्मल रिएक्शन पास करेगा, ये पहला प्रॉब्लम है। दूसरा, अगर क्यूब की एज ए है, ये भी ए और ये भी ए हो गई अगर, और म्यू की वैल्यू 0.2 है, तो बॉडी पहले स्लाइड करेगी पहले कि टॉपल करेगी? अगर बॉडी पहले स्लाइड करेगी तो मैंने ये फॉर्मूला लिखवाया आपको, तो ये म्यू इज लेस देन एल बाय 2h, तो आप इसमें h को भी l पुट कर दो, क्योंकि साइड तो क्यूब की सेम होती है l और h, तो कितना आ गया 0.5। तो इसका मतलब है कि बॉडी अगर स्लाइडिंग करना चाहती है तो म्यू क्या होना चाहिए, कितना आया 0.5 से कम, और हमारा म्यू कितना है 0.2। कंडीशन सेटिस्फाइड, इसका मतलब बॉडी विल स्लाइड फर्स्ट। तो कैसे क्वेश्चंस आएंगे ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है? आपने म्यू निकाल लिया कंडीशन कि अगर आपका म्यू लेस देन 0.5 है तो बॉडी की स्लाइडिंग होगी, फिर आप अपना म्यू चेक करोगे, आपका म्यू कितना है 0.2, कंडीशन सेटिस्फाई है ना, आपको गिवन तो 0.2 है ना, स्लाइडिंग के लिए लेस देन 0.5, तो 0.2 लेस देन 0.5, तो बॉडी विल स्लाइड। तो इस तरीके से कंडीशन को आपको चेक करना है। एक और कॉपी देना शुभम, एक और, एक और। कैसे आया? नहीं, मैंने कहा कि स्लाइडिंग के लिए म्यू एल से एल कैंसल, 0.5 से कम होना चाहिए, मेरे को गिवन कितना है 0.2 विच इज लेस देन 0.5, यानी कि स्लाइडिंग की कंडीशन सेटिस्फाइड। उसने कहा ये फिगर क्यूब है, तो मैंने एच और मतलब यहां पर भी ए, यहां पर भी ए आना चाहिए था, ए और ए कैंसिल होके हाफ बचता है, यानी कि लेंथ और हाइट सब बराबर हो जाएंगी, क्यूब है तो 0.5 आएगा, ये कह रहा हूं। पॉइंट समझ में आ रहा है सबको यहां तक? कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट टाइम